दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। क्यों कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं, जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। इस किताब में आप यह भी जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या क्या सीक्रेट्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक समरी। पार्ट फर्स्ट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है, जो यह बताता है कि पैसा कमाने के चार रास्ते हो सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ESBI मॉडल बोलते हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। बी का मतलब है बिजनेस। इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं। और आई का मतलब है इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं, मतलब तरह तरह के छोटे बड़े कंपनीज या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा अपने आप ही ग्रो करता रहता है। लेखक कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी इतना पैसा नहीं कमा पाते। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट्स ई और एस कम पैसा कमाते हैं, जबकि राइट क्वाड्रेंट्स बी एंड आई वाले ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट टू, ESBI। आइए इन सब क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, द एम्प्लॉय। जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वे जॉब ढूंढते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है, जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच बन सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा के। इसमें आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहोगे, मन चाहे छुट्टी भी नहीं ले सकते। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड। इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई बोझ पसंद नहीं होता। वे किसी स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन यह क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको करना होता है, सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। एम्प्लॉइज की तरह पैसे की गारंटी नहीं होती और न ही कोई बोनस आदि मिलेगा। इसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि आप खुद अपने एम्प्लॉय हैं। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स आदि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्दी ही बंद हो जाते हैं। थर्ड, द बिग बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आज़ादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। लेखक कहते हैं कि एस ग्रुप बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया हो और अगर वो चल निकला तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया में शुरू हो सकती हैं। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं
और फिर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस लगाने का यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आज़ादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए और बहुत बार यह डूब भी जाता है, इसलिए इसे चलाने का अच्छा ज्ञान होना भी ज़रूरी है। फोर्थ, द इन्वेस्टर। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क भी नहीं पता होता। कितने लोगों के PPF अकाउंट होते होंगे। PPF ही एक ऐसा टूल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, लेकिन यह अच्छी बात है, आपको हर साल 1.5 लाख जमा करने होते हैं। इस तरह 15 साल में आप लगभग 23 लाख जमा करवाते हो, लेकिन 15 साल बाद आपको 40 लाख मिलते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर आप 30 साल तक उस पैसे को जमा करते हो तो आपके 25 लाख लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। अगर इसी पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा डबल भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के और टूल्स के बारे में जानना है तो आप रिच डैड पुअर डैड किताब को ज़रूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पार्ट 3, लाइफ ऑफ नॉन इन्वेस्टर्स। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, उन्हें सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड, उन्हें उम्र भर पैसे की किल्लत रहती है। थर्ड, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फोर्थ, उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ, उन्हें कभी भी असली आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी किताबें पढ़िए और इन सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आज़ादी का जीवन बिताएं। पार्ट 4, 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट, कुछ लोगों की फाइनेंशियल समझ 0 होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा होता है। ये कभी रिच नहीं बन सकते। सेकंड, कुछ लोग घर में पैसा छुपा कर रखते हैं या ऐसे सरकारी बैंक में रख देंगे जो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता। थर्ड, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं। वे फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपना पैसा देते हैं और उसे इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन एडवाइज़र बहुत सेफ प्ले करते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपके पैसे को बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही वे भारी कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं। फोर्थ, कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट सीखते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बीच बीच में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये सीखकर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, अंत में कैपिटलिस्ट आते हैं। इनके पास टीम और एक्सपर्ट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंदर की खबरें मिलती हैं और स्टॉक की एनालिसिस करने वाली टीम भी होती है। तो दोस्तों, इससे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। पार्ट 5, हाउ टू बिकम रिच। जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। हार्डवर्क भी आपको रिच नहीं बना पाएगा, वरना मजदूर तो सारा दिन धूप में हार्डवर्क करते हैं, वे अरबपति होते। इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। यह रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना होगा और इसे मिनिमाइज करना भी सीखना होगा। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, छोटे छोटे लॉसेस का डर छोड़ना होगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि क्लासरूम में आप कभी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं सीखते। ये आपको गलतियाँ करके और उनमें सुधार कर करके सीखना होता है। आज ही एक्शन ले। लेखक बताते हैं कि हमारे अमीर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारा पैसा डूब जाने का डर होता है। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्ज़ाम पास करना सिखाया जाता है,
लेकिन कोई हमें अपने डरों को दूर करना नहीं सिखाता। हमें एक एक रुपया पकड़ कर रखना सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता और न ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज़्यादा अमीर नहीं होते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो उनके पढ़ाए प्रिंसिपल्स क्या सच में सही हैं? कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो वे हेल्पफुल नहीं हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब अपने टीचर और स्टूडेंट खुद बनो। स्कूल की किताबों में जो नहीं सीखा वो सेल्फ हेल्प और सेल्फ फाइनेंस की दूसरी किताबों से सीखो। दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपने इस बुक से क्या क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।